तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। बिहार ईओयू की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया। एनटीए ने नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित कराई थी। प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी होंगे। अब बता दें कर्नाटक कैडर के आईएएस रहे हैं प्रदीप सिंह खरोला, और अब प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी बनाए गए हैं। बता दें आपको एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। बिहार ईओयू की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पेपर लीक मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। बता दें नीट परीक्षा को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ था और अलग अलग जगह अलग अलग तरह की मांगे भी हम देख रहे थे, प्रदर्शन भी हमने देखा, और इसी बीच ये बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। बिहार ईओयू की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील, नीट परीक्षा को लेकर के खूब हंगामा देखने को मिला, इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की ओर से एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह से एनटीए को लेकर विवाद था, नीट को लेकर विवाद चल रहा था, ऐसे में सरकार के कटघरे में जरूर एनटीए के डीजी थे और इसीलिए एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को फिलहाल सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। क्योंकि इस पूरे मामले में जो फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी है प्रदीप सिंह करोला, उनको फिलहाल डीजी का चार्ज दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से बिहार की तरफ से जो जांच की गई नीट के मामले में और जो रिपोर्ट दी गई है, उस पूरी रिपोर्ट को कहीं ना कहीं संज्ञान में सरकार ने लिया और एनटीए की तरफ से हुई गड़बड़ी की तरह, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या फिलहाल नेट की परीक्षा हो, हाल ही में नेट की परीक्षा को रद्द किया गया, तमाम पहलुओं पर सरकार ने विचार लेते हुए तत्काल प्रभाव से जो तत्कालीन डीजी थे एनटीए के, उनको हटा दिया है और उनकी जगह पर नए डीजी जो हैं उनको फिलहाल अपॉइंट किया गया है। लेकिन जिस तरह से पूरे मामले में डीजी पर तो गाज गिरी है, पर हम ये भी सुशील मान सकते हैं कि लंबी फहरिस्त होगी कई नामों की। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।